हेलो दोस्तों, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं आलम क्रिप्टो। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कॉइन के बारे में बातें करने वाला हूं जो काफ़ी डीप के अंदर है, काफ़ी अंडरवैल्यूड है और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही अंडरवैल्यूड है और बहुत ही कम है। ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा पीछे है और इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और साफ सुथरा है और इसका यूज़ केस बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बातें करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक बात करें ताकि सारी बातें, सारा प्रोसेस और सारा मेथड आपको समझ में आ सके और इस वीडियो का कोई भी एंगल और पार्ट आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने वाला हूँ उसका नाम है वेरासिटी। ठीक है, ये इसका नाम है वेरासिटी, इसको VRA भी कहते हैं, ये भी लिखेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इसकी जो प्राइस चल रही है, इसके अराउंड चल रही है 0.0027 के आसपास चल रही है। ठीक है, मेरा जो फंडामेंटल क्या है, मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको वो बताता हूँ, बाकी आप अपना खुद से डिसीजन ले। इसलिए कि क्रिप्टो मार्केट एक हाईली रिस्की मार्केट है, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। मेरा जो टारगेट मार्केट कैपिटल है वो है 50 मिलियन। मुझे जब भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है 50 मिलियन से कम में, जब भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं इसके अंदर बाय करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको जमा कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों जमा कर रहा हूँ मैं आपको वही बतलाऊँगा। ठीक है, तो 50 मिलियन मेरा टारगेट है कि 50 मिलियन के अंडर में मुझे इस प्रोजेक्ट को इकट्ठा करना है, जितना मिल सके, 2000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एग्जैक्ट तो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊँगा कितना मेरे पास है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे पास ये होता है, जितने जितने फंड आते हैं मेरे पास, जितना कहीं से कुछ होता है अरेंज हो जाता है, तो मैं इस कॉइन को बाय करने की कोशिश करता हूँ। जब तक इसकी मार्केट कैपिटल 50 मिलियन के ऊपर जाती है तो मैं छोड़ देता हूँ, जब नीचे आती है तो मैं बाय करता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ। ठीक है, बुल रन के अंदर मैं कितना देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 5 बिलियन। क्या आपको मुश्किल लग रहा है? अगर मुश्किल लग रहा है तो ये देखें, डॉ कॉइन, ठीक है, यानी डॉज कॉइन कह सकते हैं आप उसको, डॉज कॉइन जो है वो अगर देखेंगे तो 80 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल अचीव कर लेता है एक बुल रन के अंदर। ठीक है, और उसी तरीके शिबा देखेंगे तो शिबा को देखेंगे तो ये तकरीबन 40 मिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल पहुंच जाती है। ठीक है, 40 बिलियन डॉलर की मार्केट। पेपर को देखेंगे, एक छोटा सा मीम कॉइन है, वो 7 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल अचीव कर लेता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि वेरासिटी प्रोजेक्ट जो एक अंडरवैल्यूड प्रोजेक्ट है और जिसकी बैकिंग बहुत मजबूत है, जिसकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, इसकी टीम काफ़ी एक्टिव टीम है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ केस है, इसलिए कि एडवर्टाइजिंग के अंदर, पेमेंट के अंदर इसका यूज़ हो रहा है और बड़ी बड़ी पार्टनरशिप हो रखी है, क्या आपको नहीं लगता कि ये 5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल ये अचीव कर सकता है? मेरे एतबार से अगर मैं अगर सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल फिजिबल लगता है, मुमकिन लगता है और मुझे लगता है कि ये 5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल हंसते हंसते और बिल्कुल आराम से इसको अचीव कर लेगा। अगर आपको नहीं लगता है तो आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर लगता है उसके अंदर अपना ये कर सकते हैं। मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ, बाकी डिसीजन लेना ना लेना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका काम है। मुझे लगता है, मैं आपको बताऊँगा अभी जब ये अचीव हो जाएगा मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से ये अचीव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, जो चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो 5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटल मुझे लगता है कि आसानी के साथ हो जाएगा। अगर हो जाता है तो प्राइस क्या पहुंचेगी, 0.0027 के बजाय 0.50, यानी 50 सेंट इसकी प्राइस पहुंच जाएगी। ठीक है, 50 सेंट तक हम पहुंच जाएंगे। क्या ये मुमकिन है, क्या ये 2 जीरो किल कर सकता है? मेरा मानना है कि कर सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर ऐसा कर जाता है, ठीक है, अगर कर जाता है तो 186x का रिटर्न मुझे मिल जाएगा। अगर मैंने इस प्राइस के आसपास बाय किया हो, यानी 50 मिलियन डॉलर के आसपास अगर मैंने बाय किया है तो 186 का रिटर्न मुझे मिल जाएगा। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी, BNB, डॉज कॉइन, शिबा इनू, इसने अनलिमिटेड प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि इस बुल रन के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपको क्या लगता है आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन ज़रूर दें। कहाँ तक इसकी प्राइस जा सकती है,
और कितना इसका रिटर्न मिल सकता है। मुझे लगता है कि $5 बिलियन आसानी के साथ अचीव कर लेगा और 186 ये बिल्कुल फिजिबल है, मुमकिन है। आपका ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर इस तरह के मज़ीद और डिटेल वीडियो चाहते हैं, जिस क्वान के बारे में चाहते हैं, आप उसका नाम लिखें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर गहराई से उसका छानबीन करूँ और उसके बारे में डिटेल से बताऊँ और कहाँ तक जा सकता है, कितना अचीव कर सकता है। इसके लिए आपको उस क्वान का नाम लिखना है और क्या एक्सपेक्टेशन है वो लिख जाएँ तो लिख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो को इस तरीके की यूज़फुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। अपना रास्ता पर कमेंट्स अपने ख्याल से जरूर आगा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।